हाँ जी, असी अज की जी एमरजेंसी मीटिंग सदी है उसके मेरे साथियों ने सब तो पहला तो सारा कुछ दस ही दिता है, पर यह जो मुख्य कारण यह आ असी यह समझते हाँ कि भारत सरकार ने जो नरेंद्र मोदी ने जो साडे किसानों के नाल समझौता किया है वो समझौता पूरा वो सिरे नहीं चढ़ा रहा है कि जिस तरह के 3 कानून तो रद्द हो गए लेकिन MSP जी वो भी अजे अधूरी है, जोड़े केस ने वो भी ज्यों के त्यों ने, इस तरह मुआवजा है नौकरियां ने, तो लखीमपुर खीरी वाला जोड़ा केस है वह भी अजे उस तरह ही है। इस करके असी है कि जिस तरह अज पंजाब दे विच नरेंद्र मोदी वालों जो ये पॉलिसी अख्तियार की गई है कि जिवें तरह तरह दूसरे लोगों को लिया के रहना, तो लोगों के एक भंबल भूसा पाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिहड़ा कि श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दे आगमन पुरब के उत्ते 3 खेती विरोधी कानून रद्द किए थे, तो बाकी जिहड़ियां मंगां सी उन्हां नूं भी मनण की सहमति जिहड़ी आ उह श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दे शहीदी पुरब ते की सी, तो उहदा मैसेज यह देना चाहुंदा है कि जिहड़ा पंजाब आ उह मेरे नाल है, तो पंजाब तों इह अंदोलन शुरू होया सी ते पंजाब दे लोगों नूं ही एक गुमराह करके ब्लैकमेल करके तो वह चाहुंदा है कि जिहड़ा इत्थों दल शुरू होया सी ते इत्थों ही ठप हो गया। इस करके असी मोदी नूं यह दसना चाहुंदे आ कि पंजाब तों जो अंदोलन शुरू होया सी इहदा जिहड़ा विरोध आ जिस तरह ये इन्हें समझौता करके जो धोखा कर रहा ये यदा विरोध जरा जारी रहेगा, तो जिस तरह की यह पॉलिसी खेल के भी त बाकी पार्टियां बंदे जिस तरह लियादे जा रहे हैं ज कैप्टन अमरिंदर सिंह ढींडसा साहब जोड़े ये गए ने भी इन्हों लिया के ते पंजाब दे लोगों जोड़ा वो ब्लैकमेल करके ते पंजाब की जी सत्ता जी अपनी पार्टी दवाएगा यदा भुलेखा क्ढन वास्ते ही असी जरा विरोध कर रहे हैं। जरा आ जरा अपना जरा असी 2 तरीक का 5 तरीक का जो प्रोग्राम किया है ये इसे करके किया है, तो अगे इस तो वध भी सकता जे मंगा प्रवान नहीं होंदिया तो इस तो वध भी सकता है, ये पंजाब सरकार जे नहीं करेगी तो वो खिलाफ ही लगेगा सारा कुछ ही होएगा, सब सारे के खिलाफ ही जिन्होंने वादे करके जोड़े नहीं निभाएंगे तो उन्होंने खिलाफ तो होंगे ही होंगे सारा कुछ ही होएगा। इस करके उन्हें कहा कि सारे उन्होंने DGP बुला के साथ सामने तो कहता से भी जोड़ा 31 तरीक तक कर दो, हूँ 31 तरीक तक उन्होंने कहा, तो दूसरिया तो अजे सरकार ने जिस तरह हरियाणा है ज दिल्ली है ज UP है उत्थे तो कुछ नहीं होया, उत्थे तो उन्होंने एक रिपोर्ट मंगी है केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मंगी है भी इन्हों रिपोर्टा दिखाई जान थलो रिपोर्टा मंगी ने भी किस ने उन्होंने उन्होंने रद्द करने वास्ते तो नहीं गा जिक्या प्रवान नहीं होंदिया, तो जरा मोर्चा जोड़ा है असी सस्पेंड किया ना कि असी खत्म किया, असी कुछ जथेबंदियों ने मीटिंग करी है और असी कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने 19 नवंबर में जो ऐलान किया और उस तो बाद 21 नवंबर में असी एक केंद्र सरकार को रहिंदियां मंगां ते चिट्ठी लिखी सी और उन्हां मंगां ते भावें 8 तरीक में एक जनरल चिट्ठी आई और 9 तरीक में उहदे ते सरकार की तरफों 8 तरीक में प्रपोजल आई तो 9 तरीक में सरकार की तरफों चिट्ठी आई, पर वो जिहड़ियां मंगां सी वह अज भी ज्यों दा त्यों खड़ियां ने, सगों वो ज्यों दा त्यों नहीं खड़ियां वो अगे वधियां ने क्योंकि लखीमपुर खीरी वाले दे केस दे अंदर पहला SIT बनी हुई सी, जिहड़ी SIT दी रिपोर्ट सी वह भी आ गई कि यह एक मातपरिया हादसा नहीं एक जानबूझ के किया कतल है, इस करके साडियां मंगां दी महत्ता होर भी वध जांदी है, केंद्र सरकार ने उन्हां सारियां मंगां ते अगे कोई हथ नहीं वधाया और उन्हां मंगां नूं ज्यों दा त्यों लटकाया होया, असी समझते हैं कि असी पहला भी ऐलान किया कि यह सरकार लोगों प्रति संवेदनशील नहीं और जिस किस्म ने यह समझना चाहती है असी उस ढंग जवाब दिता, भावें वेस्ट बंगाल होवे भावें आसाम होवे ते भावें आईयां उपचुनाव होण देश दे अंदर उन्हां सारयां दे अंदर हुण जदों पंजाब दे अंदर इलैक्शनां हो रही उस समय देश दे प्रधानमंत्री का होना और पंजाब दे लोकां नूं जिहड़ी कोई राहत की गल है उहदा असी विरोध नहीं करांगे, पर उस असी मोर्चे के अंदर भी साडा इह स्थापित नारा सी कि लड़ाई जिहड़ी है फसलां ते नसलां दी है साडी जगीर ते जमीर दी है, अज्ज उह साडी असल ते जमीर नूं पैसों के बट्टे खरीद के आपदा राजनीतिक लाहा लेना चाहुंदा है, असी इस करके लोगों नूं आगाह करन लई अज्ज दी मीटिंग की है और लोगों नूं इस गल तो आगाह करांगे कि वह साडी जमीर नूं खरीदना चाहुंदा और एक बारी सत्ता ते काबज हो के सानूं मतलब आने वाले समय च होर संकटां वल धक्कूगा, इस गल तो असी अज्ज जिहड़ा फैसला लिया और उहदे अंदर समूह मुलाजम मजदूर किरती जिन्नियां भी जथेबंदियां ने उन्होंने सद्दा भी दिता है कि आओ आप रल के उन्हां दियां नीतियां नूं समझिए, नीतियां नूं समझदे हुए उस विचार का विरोध करिए जिहड़ा विचार किरती लोगों के हकों से छापा मारदा है मेहनतकश लोगों के हकों से डाका मारदा है, इस करके अज्ज असीं मीटिंग करके 5 जनवरी में जिस दिन मुक्दी मतलब प्रधानमंत्री देश का संबोधन करेगा उस समय 12 तो 2 बजे के दरम्यान पूरे दे
सूबे के अंदर जिला हैडकुआटर से अर्थी और बुत फूकण का जो फैसला करे और 2 जनवरी असी चेतना के रूप च मतलब इस चीज़ को मोबलाइज करने पिंडा के अंदर अर्थी फूकण का फैसला किया। 15 तरीक की मीटिंग दिल्ली हो रही है और दिल्ली वाले जोड़ा थान है वैसे तो मैं लगता कि उस दफ्तर चो कजारिया ही होगी, पर जे भी फिर भी कोई दिल्ली वाले किसी कोई मुनासिब थान समझे वो थान का सुनेहा आजगा वो दिल्ली के अंदर होगी। इन स्पैसीफिक किसी का नॉलेज तो बिना असी समझते हैं कि जेड़े लोग असी पहला भी कह कि लड़ाई साड़ी जगीर ते जमीर की है और जेड़े उन्होंने समझौता करे वह भी बिगे ढंग जमीर कैश कराने आ रहे हैं, असी उन्होंने भी पब्लिक के अंदर उस ढंग लवेंगे जेड़े ढंग असी लें जेड़े वे विरोधी ने और विरोधी। मैनू ये लगता कि देश के दे अंदर 1994 तो बाद जिहड़ियां नीतियां आईयां ने चाहे वह कांग्रेस आई चाहे वह BJP आई तो चाहे कितने कोई सरकार होर आई किसी होर स्टेटा के अंदर उन्होंने उन्होंने पालसियां ही लागू किया जिहड़ियां पालसियां देश की इकोनमी कढ़ के कुछ हत्थां च केंद्रित करना चाहुंदी ने कुछ हत्थां तक सीमित करना चाहुंदी ने उस पालसियां ते अगे वध यही तो अंदोलन का एक सिट है। जी मीटिंग में शामिल हो सू लगता भी इतने मोदी जरा साढ़े प्रधानमंत्री है वो इतने आ रहे हैं जी फिरोजपुर के साड़िया अजे बहुत सारिया मंगा जड़िया दिल्ली वाले मोर्चे दधूरिया पे असी उस करके जड़िया है जिदा हम तोमर साहब ने बयान देता भी यह दोबारा जोड़े खेती कानून है दोबारा लेके आवेंगे असी इस करके समझते हैं भी जो सा जो वतीरा आ वो को ठीक नहीं ना ही हरियाणे वाले केस जो वापस हुए हैं ना ही अजे वो जो लखीमपुर खेरी जोड़ा केस जोड़ा केस आदा कुछ बनया ना ही जो दिल्ली के बहुत सारी मशीनरी उत्थे फड़ के डक्की हुआ कुछ बनया इस करके साडा जोड़ा है हूँ इतने मोदी साहब आ रहे असी विरोध करने का जोड़ा ये फैसला लिया जोड़ा भी आगुओं ने थोड़ा दसिया 2 तरीक असी पिंडा उन्होंने पुतले फूकेंगे तो 5 तरीक जिला डिस्ट्रिक्ट को जी कोर्ट आदे मूहरे जोड़ा है उन्होंने अर्थियां फूकेंगे जब उन्होंने पुतले फूकेंगे। हाँ ये जा सकता जी क्योंकि देखो ये जो संघर्ष आतल होया सस्पेंड होया खत्म नहीं किया गया जोड़ा अगे साडा MSP दंगा के उत्ते संघर्ष आ MSP की जी लड़ाई वो जे कोई दूजी अधूरी आते सरकार ने कोई जवाब नहीं दिता सही जवाब नहीं दिता वो जोड़ा बाकी आ घोल का रूप की होगा घोल की जी गह शक्ल की होंगी है ये अलग गल आ दिल्ली वागू मोर्चा चलता जे अड अड स्टेटा के चलता गह की कि चलता इनू जो भी जे सारिया जथेबंदियां बैठ के विचारनियाँ तो वो बारे वो फैसला करके चलेंगे। मेरे नाल इधर सारिया जत्त 8 जथेबंदियां ने एमरजेंसी मीटिंग समझी कि सानू क्यों जरूरी अज जी मीटिंग करनी पै रही है मीडिया राही ही सानू पता लग्या भी 5 तरीक नू मोदी इत्थे पंजाब दौरे ते आ रहे हैं उहदे विच जिहड़ियां साडियां मोर्चे दीयां मंगां ने अधूरियां पईयां ने उह मंगां मनाउण दी खातर ते पंजाब दे जिहे जिहियां उह साडियां होर मंगां ने इहनां नू उहदा जिहड़ा फैसला कीता सी विरोध करन दा 5 तरीक नू असीं जिला लैवल ते तहसील लैवल ते विरोध करांगे 5 तरीक नू ते 2 तरीक नू पंजाब दे विच असीं पिंडां दे विच आसी फूक मुजारे भी करांगे मोदी दे खिलाफ़ कि जो BJP ने जिहड़ियां मंगां ने वो अधूरियां ने उन्होंने तुरत मंगा जिहड़ा UP वाला मसला विच पे है साढ़े किसानां ते परचे है जिहड़े विच पे ने माजवे वाली गल विच पई है MSP ते कानून बनाउण दी गल बाकी पई है ये सारियां मंगां जिहड़ियां पासे मनाउण वालियां 2020 बिजली वाला बिल है तो पवां उहदे जिहड़ी पराली वाले तो एक मद कढ़ी है पवां किसानां नूं तां राहत मिल गई है पर वो जिहड़ा पासी खाड़ा पिया ये सारियां मंगां हजे पवां तिन्ने जिहड़े काले कानून रद्द होए ने जिहड़े साडे लियांदे सी जमीनां ते सीधा हमला करदे सी वो मंगा मनाईया ने आने वाले दिनों के असी इस करके भी जोड़ा मोदी आ रहा है पंजाब के अज साडा एमरजेंसी जिहड़ियां मीटिंग करके मोर्चे नाल संबंध जिहड़ियां जथेबंदियां सी जिन्हें तालमेल किया 7-8 जथेबंदियां आईया ने उन्हें असी फैसला किया भी जोड़ा पंजाब दौरे पर आ रहा वह विरोध करांगे विरोध करांगे एक तो हुंदा सीधा जाके जिथे वह रैली कर रहे हैं असी पंजाब दे विच तहसील लैवल ते DC लैवल ते ये 2 थाई करांगे 2 तरीक नूं सारे पंजाब दे विच पिंडां दे विच मुजहरे करांगे। देखो जी अज असल तां इह परख दी घड़ी इत्थे खड़ी है भी असल सचू ही किसान हथेसी जिहड़ियां लड़न वालियां जागदियां जमीर वालियां पार्टियां जां लोक है भी वह अज लड़ाई दे मैदान च है वह पिछे नहीं मुड़े घरां नूं नहीं गए साडे वास्ते ही एक अहम सवाल है भी अज मोदी ने जिहड़ा 750 किसानां दीआं लाशां तों लंघ के वह पंजाब आ रहा है असी उहदा मूँह तोड़वां जवाब देण वास्ते उहदा विरोध कर रहे जिहड़ा साडा
राइट है, सानू हक है इस गल का, संविधान कहता है। ये हुण उन्हां दी जमीर इजाजत दिंदी है भी वह लड़ते हैं जां विरोध करते हैं जां नहीं करते, कि जां उह जिहड़ा मतलब मोदी की पॉलिसी है भी पाड़ो ते राज करो की नीति है भी उहदा इक हिस्सा बन के उहदा शिकार हुंदे है, वह तो उन्होंने डिपेंड करता, पर साडी आपदी समझ कहती है भी असी वह साढ़े 700 किसानों का कातल है, असी उन्हूं पंजाब च आउण ते उन्हूं इस गल का विरोध करांगे। जिन्ना चिर किसानों की कुल मुक्ती का मसला हल नहीं हुंदा, करजे की गल है, किसानों दीआं खुदकशियां की गल है, किसानों के फसलों के रेटा की गल है, खरीदो खरूद की गल, उन्ना चिर केंद्र की होवे पंजाब सरकार की होवे जिहड़ी सरकार चुन के लोगों के विच आउंदी है उन्हां तों साडा हक मंगणा है। वो साडे देश का प्रधानमंत्री है, असीं उहनूं इह गुजारिश कीती है भी जिहड़ा हुण गल करजे वाली आउंदी है असीं तां कहिंदे वी उहनूं माफ करना चाहिए, असीं तां जो नीरव मोदी वाला हुण मसला बणिया वा भी उहनां दे हिस्सेदारी आई है बीजेपी च, अज्ज असीं भी कहिंदे वी साडे किसानां दी करजे ते हीर मारनी चाहीदी आ, पर जिहड़ा अज्ज इह मोदी आ रिहा है जिहड़ी इहने साडे भाईचारक सांझ असीं इकट्ठी कीती आ हरियाणे दी ते साडे दूजे स्टेटां दी भाईचारा वधाया, जिमें हुण सुखबीर बादल बयान दिंदा है भी असीं ते पाणियां दा मुद्दा रखांगे चंडीगढ़ पंजाब नूं देवांगे, असीं इह भाईचारक सांझ नहीं टुटण देवांगे, असीं उस गल दा वी विरोध करांगे भी बिल्कुल इत्थों कोई राजनीति इही जी ना आवे जिहड़ी साडे ते हरियाणे ते पंजाब नूं साडे दो पासां च वंडे। देखो जी, साडी किसान जथेबंदियां दी अपील तां इहो ही आ भी साडा जिहड़ा कट्ठा उह जिहड़ा कट्ठा रहे ते जिहड़ी इह मोदी दे नाल जिहड़ी लड़ाई उह साडी पूरी नहीं हुई अजे तक, जो मोदी ने सानूं मंगां दा दस्सिया सी भी 3 काले कानून वह तो रद्द हो गए, बाकी दिनिया जिन्या भी रेंदियां मंगा ने उन्होंने सानू कोई यदा भरोसा नहीं कि मोदी की कर रहा जां किवें कर रहा, वह चालां चला रहा साडे देश वास्ते पंजाब वास्ते सारिआं वास्ते, इस करके साडा जिहड़ा विरोध आ लगातार जथेबंदियां दा जारी रहेगा। ये जी खुला सद्दा दिता सी ते मतलब जिन्नियां भी जथेबंदियां इत्थे पहुँच गईआं ने वह जथेबंदियां असीं पहुँचियां ते बाकियां नूं कॉल कीता वी किसे रजेवें करके वह इत्थे तक नहीं पहुँच रहीआं, सद्दा ते असीं सारिआं नूं दोवांगे पर जिन्नियां इह जथेबंदियां इहनां नूं ते जिहड़े 8 आईआं ने इत्थे ये इहनां नूं तां पक्का ते बाकियां नूं वी असीं अपील करांगे कि आपां ये जिहड़े अपने काम अधूरे इहनां नूं आपां पूरे करिए ते मतलब ये आपां मोदी का विरोध करिए, क्योंकि सारे जिहड़े साडे अधूरे काम आ मोदी ने अजे तक वादा खिलाफी करता रहा, सानू इह ते कोई यकीन नहीं साडा उहनां ते कोई इतराज़ नहीं होगा, मतलब जिहड़ियां जथेबंदियां आ रहीआं ने क्यों उह साडा हिस्सा ही ने, मतलब जे उहनां ने आपदी जो पॉलिसी आ उहदे वास्ते असीं कुछ नहीं कह सकदे। जिवें पहला काका सिंह ने दस्सिया भी मोदी दे दौरे नूं मुख रख के जिहड़ा 5 तरीक दा दौरा उहनां दा, असीं एमरजेंसी मीटिंग सद्दी आ संयुक्त किसान मोर्चे नाल संबंधित जथेबंदियां दी, जिहड़ियां कि संयुक्त किसान मोर्चे की समझ ते खड़ के किसान मुद्दे ते अपना अंदोलन जारी रखना चाहुंदियां ने, उन्हां दी असीं एमरजेंसी मीटिंग सद्दी सी, उस मीटिंग जथेबंदियां जिहड़ियां सीगियां उह तुरंत होण करके नहीं भी आ सकियां, उन्हां नूं असीं तालमेल करके सद्दे शामिल करांगे। सद्दा जिहड़ा साडा हैगा भी मोदी दा असीं विरोध दौरे दा इस करके कर रहे हैं भी उसने 9 तरीक नूं जो चिट्ठी लिखती चिट्ठी राहीं केंद्र सरकार दे राहीं जिस दिन असीं वापसी का फैसला किया है उस दिन जो वादा किया भी सारे जिन्हें भी केस है वो सारे कैंसल किए जाएंगे रद्द किए जाएंगे, 700 जो किसान है जिंदियां जाना गई उन्होंने परिवारों को नौकरी से कंपनसेशन दिता जाऊगा, लखीमपुर के कांड के जो पीड़ित है उन्होंने न्याय दिता जाऊ, दोषियों को सज़ा दी जाऊगी, तो MSP के मामले पर जी कमेटी बनाई जाऊगी, पर लगभग ऐ समझ लो भी 9 तो लैके महीने के लगभग होने वाली समा हो गया तो उन्होंने अजे तिकर हरियाणे दे विच सानू कल ही तालमेल किया भी किसी भी एक भी परिवार को उदे 9 तरीक नूं सानू कहा सीगा भी अज ही तुसीं चंडीगढ़ आ के 123 केस सीगे हरियाणे दे भी उन्हां दा 5 लाख दे हिसाब नाल, पर उन्होंने अजे तिकर एक भी किसान नूं जिहड़ा अपना जिन्हां दे शहीद होए है किसी नूं कंपनसेशन नहीं दिता, जिहड़े परचे सीगे 48,000 किसानां ते उन्होंने भी इन्होंने चिट्ठी जारी की है SSP को कोई रद्द करने की नहीं दिती, सिर्फ रिपोर्ट मंगी है भी सानू दसो भी जिले वार भी थोड़े जे किन्नियां FIR है ने, सो रिपोर्ट लैन का तो सवाल ही नहीं सीगा, 4 केसां नू छड्ड के सारे केस रद्द करने की उन्होंने कही गल कही सी, सो वह भी लमकदी है। लखीमपुर वाले कांड दे विच जिहड़े साडे आगू सीगे जिन्हां ने उसे अगवाई की है जिहड़े हुण तक नामजद नहीं सीगे दोषियों की जिहड़ी 20 नंबर है जिहड़ी FIR है उहदे विच उन्होंने नामजद करना शुरू करता MSP के कहता, पर कोई भी उहदे विच कोई किसान आगू नूं कहा होवे भी तुसीं अपनी किसान नुमाइंदे दिओ वह भी बिचे, इस करके असीं समझदे हां भी उन्होंने एक बार सानू ठाउण दी उत्थे किसी ना किसी बहाने भी थोट खड़न वह कोशिश की है, बाकी मंगा तो उन्होंने टाल मटोल लगती है, सो उन्हों का जिहड़ा रवैया हैगा टाल मटोल वाला, जां तोमर ने पिछे जे बयान भी देता सीगा भी असीं तां इक कदम पिछे हटे हैं
दो कदम गाह अगे वधांगे। सो इस रवैये नूं ध्यान च रख के असीं फैसला किया संयुक्त किसान मोर्चे की जिहड़ी 9 मैंबरी टीम है उहदे नाल भी राय की असीं पुन्ना ते तालमेल कमेटी है जी 9 मैंबरी उन्हां दी सहमति नाल उन्हां दी राय दे नाल असीं फैसला किया भी 2 तरीक नूं पिंड पद्धर ते अर्थियां साड़ियां जाण पुतले साड़े जाणगे अर्थियां ने पुतले साड़े जाणगे ते 5 तरीक नूं तहसील ते जिला हैडक्वार्टरां ते इकट्ठे हो के वड्डी गिणती दे विच है जिहड़ा ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੇ ਯੂ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਆਪਣਾ 11 ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੰਘਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 9 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੇ ਜੂ ਡਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ CPM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੇਜਰ ਪੁਨਾਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹਨ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 13-14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 32 'ਚੋਂ ਅਤੇ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇ ਯੂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਭਲੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਝਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 16 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਸਾਲੇ ਸੱਚ ਸੱਚ।